हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में हम सामाजिक जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शंस और जितने भी गैदरिंग्स हैं और जितने भी कल्चर हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट यूनिट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। दिस फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन। अ फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्टे इज़ नोन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी। So, first of all, a French philosopher, Auguste Comte is known as father of sociology. Who is the father of sociology? किसने सबसे पहले sociology को invest किया है? वो है the Auguste Comte. Okay? He is the father of sociology. The next is, he was the first person who coined the word sociology in 1838 में, 1838 में सबसे पहले इस वर्ड को किसी ने बनाया था, किसी ने जाना था, अबाउट दिस स्टडी किया था, वो है ऑगस्ट कॉम्टे। सोशियोलॉजी, सोशियो और लोगस, इन दोनों चीज़ों से मिलके बना हुआ है सोशियोलॉजी। इसका मतलब है स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में स्टडी करना, फ्रॉम लैटिन और ग्रीक। ग्रीक और लैटिन दोनों लैंग्वेजेस से मिलके सोशियोलॉजी एक वर्ड बनाया गया। देन सोशियोलॉजी, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। दिस इज़ ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, है ना। किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए उसके ऊपर पहले बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारा स्टडी और सब कुछ करना पड़ता है। सो दिस इज़ ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। देन नेक्स्ट इज डेफिनेशन। नेक्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, सोसाइटी इज द साइंस विच अटेम्प्ट द इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। सोसाइटी इज ए साइंस विच अटेम्प्ट द इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। इसका मतलब है सोसाइटी के अंदर होने वाले एक दूसरे के साथ जो भी हम इंटरेक्शन करते हैं, ओके, जैसे हम अपना सोशल स्टेटस, सोशल कल्चर, है ना, रिलीजन, ये सारी चीज़ों को कैसे हम एक दूसरे के साथ मिल के सारी चीज़ों को लेके चलते हैं और कैसे हम इस्टेब्लिश करते हैं। दिस इज़ द इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे को समझ के सोसाइटी में हर एक कार्य को करने को कहते हैं इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, है ना। सामाजिक जो कार्य हम करते हैं एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके करते हैं। दैट इज़ सोसाइटी इज़ द साइंस विच अटेम्प्ट द इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। ये किसने बोला? अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। द नेक्स्ट, दूसरा हमारा डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू किम्बल यंग। सो सोशियोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप। इन दिस सोशियोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन। ह्यूमन बींग का बिहेवियर एक सोसाइटी के अंदर कैसा होना चाहिए, है ना, दैट इज़ द सोशियोलॉजी। हम लोग एक समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, एक दूसरे को लेके चलते, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, दूसरे के घर पे जाके चोरी नहीं करना है, है ना, मारपीट नहीं करना है, एंटी सोशल जितने भी वर्क है वो हमको नहीं करना है। ये चीज़ हमको कैसे पता चलता है? बाय बर्थ सोसाइटी में रह के पता चलता है। सो यही चीज़ बोल रहे हैं किम्बल यंग कि सोशियोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप। हमको एक समूह में, एक यूनिट बना के, एक ग्रुप बना के कैसे रहना है सोसाइटी में, दैट इज़ सोशियोलॉजी। द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू बैनर एंड च्यूमन, सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोशल लाइफ। ओके, सोशियोलॉजी क्या है? इट इज़ अ वन टाइप ऑफ साइंस, है ना, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सोशल लाइफ, हमारा जो सामाजिक जीवन होता है, सोशल लाइफ को हमको कैसे डिराइव करना है, इस चीज़ को सिखाता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मतलब हम अपने आप को कैसे बिल्डअप करते हैं सोसाइटी में, और सोसाइटी में रहकर हम कैसे बिहेव करते हैं, हाउ टू बिहेव, है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग सोसाइटी से सीखते हैं। द नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। सो फर्स्ट वन इज़ सोशियोलॉजी इज़ इंडिपेंडेंट साइंस। इंडिपेंडेंट साइंस, हम हर कोई इस चीज़ को जानते हैं कि स्वतंत्रता के ऊपर, स्वतंत्र, हर एक नागरिक स्वतंत्र है हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडिया में। तो सोशियोलॉजी इज़ इंडिपेंडेंट साइंस, किसी भी साइंस के ऊपर डिपेंड नहीं है। हम सोशल बेसिस में जब अपने समाज के अंदर रहते हैं तो हम किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं। एक कल्चर है, एक कस्टम है जो
फॉलो होता आ रहा, उसको हम अच्छे रीति रिवाज से उसको हम अपने लाइफस्टाइल में ढाल लेते हैं, तो हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, हम बाय बर्थ ही इन सारी चीज़ों को सीखते हैं। द नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी इज सोशल साइंस। सोशल साइंस इसलिए है क्योंकि हम सोसाइटी में रह के ही सोशल बिहेवियर को सीखते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ मिल के रहना, एक दूसरे की हेल्प करना, ये सारी चीज़ें हम सोसाइटी में रह के सीखते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशियोलॉजी इज़ ए सोशल साइंस बट नॉट ए फिजिकल साइंस, है ना, ये एक सोशल साइंस है, फिजिकल साइंस नहीं है। मीन्स यहाँ पे बिहेवियर इज मस्ट, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं पब्लिकली, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं अपने नेबर्स के साथ, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टू फिजिकल साइंस। ये फिजिकल साइंस नहीं है, हम कुछ भी चीज़ को फिजिकली एक्शन करें उससे पहले हमको मेंटली सोचना है कि सोशल रूप से कि हमको समाज में किस प्रकार से बिहेव करना है। देन नेक्स्ट इज इट इज़ ए प्योर साइंस एंड नॉट ए अप्लाइड साइंस। ये प्योर साइंस इसलिए है क्योंकि हर एक चीज़ सोसाइटी के अंदर क्या अच्छी है क्या बुरी है क्या गलत है क्या सही है हम बाय बर्थ ही सीखते हैं, है ना, फैमिली से, स्कूलिंग से, कॉलेज से, ये सारी चीज़ों से हम सीखते हैं कि हमको कैसे रहना है ना, ये चीज़ हमें कोई नहीं सिखाता। जब हम स्टेज बाय स्टेज बढ़ते हैं एज वाइज तो हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं, तो ये अप्लाइड साइंस नहीं है, दिस इज़ द वन टाइप ऑफ प्योर साइंस जो हम बर्थ होने के बाद से, जन्म लेने के बाद से अटैम्प्ट करते हैं। देन इट इज़ द रिलेटिवली सोशल साइंस एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये सोशल साइंस तो है क्योंकि ये हमको सोशल बनाना है। देन एब्स्ट्रैक्ट इसलिए है क्योंकि एक सार है इसमें, एक पूरा लाइफ हम अपनी सोसाइटी के अंदर डिपेंड करते हैं और व्यतीत करते हैं, पूरा लाइफ हम सोसाइटी के अंदर ही स्पेंड करते हैं, है ना, तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट साइंस है क्योंकि ये एकदम करेक्ट जो भी चीज़ सही गलत हर एक चीज़ को, क्या गलत है क्या सही है, इस चीज़ का नॉलेज हमको हर चीज़ हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमको पता चलता है, कैसे, सोसाइटी के अंदर रह के, लड़ाई झगड़ा करना, चोरी करना, एंटी सोशल वर्क्स करना जो हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट है, ये सारी चीज़ें हमको कोई बताता नहीं बट हम सीख जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये सोशल साइंस है, एब्स्ट्रैक्ट है, बिल्कुल सही व्याख्यात रूप से हमको पता है ये चीज़। देन नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी इज़ ए जनरलाइजिंग एंड नॉट पर्टिकुलर एंड इंडिविजुअल साइंस। इंडिविजुअल साइंस इसलिए नहीं है क्योंकि सोसाइटी वन एंड मोर पर्सन से मिलके बना हुआ है, जब तक हम सब एक साथ मिलके नहीं रहते और एक मोहल्ले में, एक कॉलोनी में, एक फैमिली में हम नहीं रहते तब तक वो सोसाइटी नहीं बनती। सो सोशियोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन सोसाइटी, तो इंडिविजुअल और पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर नहीं है, ये एक यूनिट बेसिस साइंस है। सोशियोलॉजी इज़ बोथ रैशनल एंड एम्पेरिकल साइंस, है ना, रैशनल है मतलब एक सेंसफुल, सोशियोलॉजी एक सेंसफुल है, हर चीज़ हम सेंस से बिहेव करते हैं सोसाइटी के अंदर, हाउ टू बिहेव, अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है, एजुकेशनल बेसिस में कैसे जाना है, जॉब के लिए हमको किस प्रकार से एजुकेशन लेना है, है ना, और सोसाइटी के अंदर हम मैनर्स सीखते हैं, हाउ टू बिल्ड अप योर पर्सनैलिटी, एवरी थिंग डिपेंड्स ऑन सोशियोलॉजी, इसलिए ये एक रैशनल है, एक सेंसफुल साइंस है। देन एम्पेरिकल साइंस है मतलब, एम्पेरिकल मीन्स ये हर एक चीज़ का एक प्रैक्टिकल बेसिस है। सोशियोलॉजी को जब स्टडी किया गया तो पहले इसके ऊपर हर एक चीज़ को, हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ों को स्टडी किया गया, उसके बाद इसको थ्योरी में डाइवर्ट किया गया, तब लोगों को टीच किया गया, उन्हें एजुकेट किया गया कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, इसलिए ये एम्पेरिकल साइंस है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बेसिस साइंस है। तो नेचर, अब हमने पढ़ा, फर्स्ट इज सोशियोलॉजी इज इंडिपेंडेंट साइंस, देन सेकंड वन इज सोशियोलॉजी इज सोशल साइंस, देन नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस बट नॉट ए फिजिकल साइंस, इट इज़ ए प्योर साइंस एंड नॉट ए अप्लाइड साइंस, it is a relatively social science and abstract, sociology is generalizing and not particular and individualized science, sociology is both a rational and empirical science।